भाई रात को पहाड़ों का देखोगे क्या हाल है। रस्ते ये है रस्ते, और मान लो यहाँ पर मैंने लाइट बंद कर दिया, अभी देखना क्या होगा। ये मैंने लाइट बंद कर दिया, कुछ भी नहीं देखना, देख रहा कुछ भी नहीं। ये मैंने लाइट दिया और लाइटिंग जल गई, देख रहे भाई एकदम खतरनाक पायलट है। और नाइट राइड का तो भाई मजा ही अलग है, बस ये कि भाई चलाने वाला होना चाहिए पहाड़ पर, ये पता चले सीधा नीचे नहाने चला खाई में। देखो भाई यहाँ पर रास्ते में कैसे पत्थर टूटे हैं, और रात को इन पत्थरों को हटाया जा रहा है भाई, बहुत ही खराब है। मेरा और दिख नहीं रहा छोटे ट्रक लगा हुआ है भाई, पूरा पहाड़ टूटा हुआ है यार। कभी हम गिर भी गए थे, यार दोनों जूते गिर गए। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग बद्रीनाथ जा रहे थे, जाने से 40 किलोमीटर पहले इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि ना टेंट लगाने की कोई सही सी जगह मिली ना कुछ हुआ, तो हमें मजबूरी में होटल लेना पड़ा, ये वो होटल। तो रात को हमने यहाँ स्टे किया था, नींद भी बहुत अच्छी आई, हालांकि आते आते हमें 12:30 बज गए थे, तो 1 बजे तक हम सो गए थे। तो अभी हो रहा है टाइम 7:30, उठ के हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया, और करके अब हम यहाँ से बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे, उसके बाद जाएंगे वहाँ से मानागांव, पूछते हुए रास्ता तो नहीं पता, सारा पूछना पड़ेगा वहाँ पर। अब मैं ना आपको एक बाहर का शॉट दिखाता हूँ भाई, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है, मतलब ज़बरदस्त, दिल खुश हो जाएगा आपका देख के। तो भाई यहाँ से जो मैं आपको व्यू दिखाऊँगा वो आपको देख के इतना मज़ा आएगा कि आप कहोगे कि हाँ भाई मैंने कोई चीज़ दिखाया आपको, मतलब बहुत ही औसम नज़ारा है यहाँ से, आपको देख के मज़ा आ जाएगा, खुश हो जाओगे आप। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से पूरा साइड व्यू वगैरह, और सामने कैसे बादल हो रहे हैं, और एक जगह से सनराइज़ हो रहा था वहाँ पर बादल होने की वजह से वो भी दिखना बंद हो गया। चलो मैं वो भी थोड़ा सा दिखा दूँगा, हल्का फुल्का दिख रहा है वो चीज़। तो चलो भाई मैं स्टार्ट करता हूँ आपको जगह दिखाना, ये देखो भाई क्या व्यू है यहाँ का, एकदम ज़बरदस्त भाई। वो देखो बादल देखो उधर, वो सारा पहाड़ पे नीचे है बादल, उसके ऊपर से पहाड़ जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको पहाड़ के नोक दिख रहा होगा, ये देखो यार क्या नज़ारा है भाई, ऑसम व्यू है यहाँ का यार, ये देखो भाई। और ये ठंड में जब यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है ना, तब तो भाई और भी खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ का, यहाँ बर्फ़। हाँ मैं आपको सनराइज़ वाला रास्ता जगह दिखा दूँ जहाँ पर वो सनराइज़ हो रहा था, अब ये देखो वहाँ पर अब बादल आने के कारण ये इस जगह हो रहा था सनराइज़ भाई, बड़ा मस्त लग रहा था। जब तक मैंने कैमरा में निकाला बादल आ गए और वहाँ पर दिखना बंद हो गया, वो बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, वो रास्ता दिख रहा था कितना मस्त लग रहा है यार, छोटा वाला रास्ता, उसके बगल से नदी भी निकल रही है, कौन सा अंकल जी वो जो पुल दिख रहा है वो विष्णु प्रयाग है, जिन अंकल जी ने हमें होटल दिया ना वो बता रहे थे, वो विष्णु प्रयाग का होटल वो है पुल, वहाँ पर विष्णु जी का मंदिर है। अच्छा हाँ अंकल जी ने सही बताया, ये हाथी के शेप का पहाड़ है, ये इसका सूंड है अंकल जी, ये सूंड है। अच्छा वो सूंड उधर को जा रहा है, और ये सर जा रहा है, हाँ ये सर है, और ये इसकी पीठ है, और उस तरफ पूछ जा रही है उसकी, हाँ अच्छा हाँ हाँ ये कटा हुआ हिस्सा, ये कान और आँख है, हाँ सही है भाई। ये फ़ोन में तो पूरा दिख नहीं रहा मेरे कैमरे में, और दिखता तो मैं दिखा था आपको भाई, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, अंकल जी ने बताया तो मैंने ध्यान दिया भाई, ज़बरदस्त यार मज़ा आ गया देख के, मैंने तो ध्यान नहीं दिया था, नहीं अंकल जी ने बताया था, अंकल जी एक बार फिर समझाते ना ये क्या क्या है यहाँ पर, ये बताएंगे अब आप सुन लेना। यहाँ पर ये कौन सा मंदिर है, विष्णु प्रयाग का, विष्णु प्रयाग का मंदिर है, और ये जो पहाड़ दिखाते हैं हाथी के शेप का बना हुआ है, हाथी पहाड़ बोलते हैं। अच्छा नाम हाथी पहाड़ है इसका। अच्छा हाथी पहाड़ है, अच्छा ये विष्णु प्रयाग परियोजना है, और नीचे विष्णु यहाँ जल विद्युत परियोजना है, और नीचे। अच्छा चलो मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको जो अंकल जी ने अभी मेरे को दिखाया है। अंकल जी और क्या कहते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, ये धौली गंगा आ रही है इधर तपोवन से। अच्छा और बद्रीनाथ की तरफ से अलकनंदा आ रही है, पूर्व मिलकर अलकनंदा बन जाता है। अच्छा
ये वो नदी वो जो जा रही है लखनंदा जो अंकल जी बताने, अच्छा अच्छा जो प्रलय आया था वो, अच्छा जो प्रलय आया था भाई बद्रीनाथ से शुरुआत जो प्रलय वो इसी जगह से आया था भाई, वो रोड वोड सारा वो डूब गया था अंकल जी बता रहे थे, जो बाढ़ आया था ये सारा डूब गया था। अब तो यहाँ इतना खूबसूरत घास वास देखने को मिल रहा है, लोगों के घर भी है यहाँ पर, लेकिन अंकल जी बता रहे थे वो रोड वोड सारा डूब गया था, सब टूट गए थे, फिर से बना है। अरे वहाँ पर वो जो है यहाँ पर ये विष्णु जी का मंदिर है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, वो जल विद्युत परियोजना है, वहाँ पर जल चढ़ रहा है विष्णु प्रयाग का NTPC का भाई, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है भाई, मज़ा आ गया। और वहाँ पर भी देखो सड़क भाई कैसे बनी हुई हो, सांप बना दे सांप बनी हुई है वहाँ पर भाई, बहुत ही ज़बरदस्त ऑसम व्यू है यार यहाँ का भाई, मज़ा आ गया देख के। तो भाई मैंने यहाँ का सारा शूट वूट कर लिया है और मैं तैयार भी हो गया, बस अब हम निकलना है यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो ऊपर जाने में भी टाइम लगेगा, तो यहाँ से हम होते हुए जाएंगे ऊपर, तो मिलते हैं आपको रास्ते में और बाकी अपडेट आपको रास्ते में देंगे। देखते हैं भाई रास्ते में और क्या क्या मिलता है, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, यहाँ मैं इससे पहले कभी नहीं आया था। वैसे हमारा प्लान तो देहरादून नैनीताल तक का था, पर अचानक से भाई क्या हुआ प्लान बन गया, तो हमने वहाँ से निकल पड़े आगे की तरफ। अब केदारनाथ बद्रीनाथ वगैरह, बद्रीनाथ जा रहे हैं अभी, वापस जाते हुए अगर केदारनाथ का टाइम मिला तो केदारनाथ जाएंगे, नहीं तो वहाँ से सीधा देखते फिर ऊपर की तरफ और कहाँ जाना है, तो मिलते हैं बाद में आपसे। तो गाइस हम लोग यार बद्रीनाथ पहुँचने वाले, यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर और बचा है, और क्या कहते हैं हमारा यार बाइक का सामान भी पीछे से खुल गया था, क्योंकि कल हमारी गाड़ी गिर गई थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर रात को स्टे किया था और बाइक को हमने सामान अच्छे से बांध लिया, और आपके कुछ और तरीके से बांध रहे, क्योंकि हर बार जितने बार खुल रहा है उतनी बार हम अलग तरीके से बांध रहे हैं, इसे तो हमें दिखा देते। इस बार जो है मैंने स्लीपिंग बैग्स को जो है मैंने बंजिंग रोप से बांधा है, इधर से आओ, और तिरंगे को इस बार मैंने बीच में फंसाया है ताकि वो ना हो, और यहाँ पर जो है बंजिंग रोप से बांधा है मैंने, ताकि पीछे से मेरा इंडिकेटर और रेड लाइट दिख जाए। और बाकी सारा सामान हो गया कम्प्लीट, और एक बैग जो है छोटा वाला वो तो कंधे में टांग के चल रहे थे, उसके अंदर हमारे गैजेट्स वगैरह है, पावर बैंक वगैरह सारा सामान है, पर्स वर्स सब उसी में रख रहे हैं, इसलिए तो चलो मिलते आगे। एक बार मैं आपको व्यू भी दिखाते ही कर रहा हूँ भाई, यहाँ का व्यू देखो कितना ज़बरदस्त है यार, मतलब मज़ा आ गया। वहाँ से सनराइज़ निकल रहा था, और अभी कहीं से हेलीकॉप्टर भी आ रहा है, जो हमारे इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर है, जो यहाँ पर पहाड़ों पे चेक करते हैं कि कोई आतंकवादी या कोई दूसरे कंट्री का चाइना वाइना का कोई घुसपैठ तो नहीं आ रहा, यहाँ से पूरा राउंड लगाते रहते हैं। और वो भाई हेलीकॉप्टर भी इतना मस्त लग रहा है, जैसे बचपन में हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते थे ना, कि ऊपर का हिस्सा कांच का पीछे लोहे का बना रहता था, बिल्कुल सेम वैसा हेलीकॉप्टर, और इतना नीचे नीचे से उड़ाते हैं भाई, मज़ा आ जाता है देख के। हेलीकॉप्टर दिखाने वाला जो इंडियन आर्मी का हमारे यहाँ का चक्कर लगाता रहता है भाई, बहुत ही नीचे से जा रहा है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई वो हेलीकॉप्टर कितना मस्त लग रहा है, ये इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर है, जो भी यहाँ राउंड लगाते रहते हैं ऊपर से पेट्रोलिंग करते हैं कि पहाड़ों से कोई घुसपैठी हमारे इंडिया में तो नहीं आ रहा है भाई, इनकी ड्यूटी भी बड़ी तक है। और ये एक बार नहीं कई बार यहाँ से राउंड लगा चुका, क्योंकि जो ये वाला साइड है इसके बैक साइड से जो है चाइना बॉर्डर पड़ जाता है। तो गाइस भाई बद्रीनाथ का रास्ता देखो कितना मस्त है यार, यहाँ से व्यू देखो कितना खूबसूरत है, इधर थोड़ा इस साइड का व्यू देखो हल्का सा घुमा के, भाई मज़ा आ रहा है यार, और सुबह का टाइम का नज़ारा तो ऑसम है यार यहाँ का भाई, ज़बरदस्त। और भाई लेकिन सड़क बड़ी पतली है और दूसरी तरफ खाई है, और आगे आप देख सकते हो भाई इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़ है, थोड़ा ऊँचा करके पहाड़ दिखाओ, ओ भाई ज़बरदस्त नज़ारा यार, मतलब एक तो बुलेट ऊपर से बंदे दो, लेकिन चलानी तो मुझे अकेली ही पड़ रही है, पीछे वाले को दूंगा उसे हाईवे पे, कल मैंने दिया चलाने का ना जब चला ले भाई साहब, ओवरटेक पता नहीं कैसे कर रहा था, मरवा देता कल, मैंने कोई बात नहीं भाई तू रहने दे मैं खुद चला लूँगा, तब से तो भाई मैं ही चला रहा हूँ 14-15 घंटे से कंटिन्यूसली मैं ही चला रहा हूँ, इसी कर रहा भाई मतलब मेरी थोड़ा बस। तो भाई यहाँ के नज़ारे होए बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है भाई यहाँ का, और आप यहाँ से अगर व्यू देखोगे तो कितना ज़बरदस्त लगता है देखने में भाई। हाँ मतलब पीछे यार गाड़ी आ रही है भाई, अब हमें भगानी पड़ेगी भाई, क्योंकि भाई बस वाला पीछे लगा दिया हमारे, थोड़ा तेज जाना पड़ेगा नहीं तो फिर हॉर्न मार के हमारी ज़िंदगी ख़राब कर देगा वो, पूँ पै पी कर भाई। वहाँ से देखो सूरज जो है बादलों के पीछे ढका हुआ है, जैसे भाई वहाँ से बादल हटेंगे तो इतना मस्त नज़ारा होता है भाई, आधे पहाड़ों पर धूप आधों पर नहीं,
ऐसा सीन होता है भाई, जबरदस्त यार भाई, जबरदस्त नज़ारा भाई। ये देखो हमने गाड़ी कर दी अपनी बंद, क्योंकि ढलान पे 40-50 की स्पीड में अपने आप भग रही है भाई, मज़ा आ रहा है, हमारा तेल बच रहा है, बल्कि ब्रेक और उल्टा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ढलान है पूरा का पूरा, और यहाँ से जो है हम गाड़ी बंद कर दी है और अपने आप चल रहा है 40-45-50 ऐसे सांप बनाते हुए चला रहा है, सांप बना दे सांप, ये लहरा ऐसे करते हुए चल रही है। ये देखो भाई व्यू दिखाऊंगा भाई, यहाँ से व्यू भी देखो कितना जबरदस्त है सामने का, लेफ्ट साइड से पूरा व्यू दिखाऊंगा। ये देखो भाई बंद गाड़ी कैसे चल रही है, साई साई साई, मैंने तो गाड़ी कर दी है बंद, बस। तो ये वाले पुल को हम पार करेंगे भाई, बड़ा ही जबरदस्त पुल बना, और नीचे भाई पानी का स्पीड में आ रहा है, और भाई जहाँ तक हमारा वो ढलान था वहाँ तक मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं करा, कम से कम 4-5 किलोमीटर हम कंटिन्यूसली जो है बंद गाड़ी लेकर आ रहे हैं, अभी भी बंद ही चल रही है, और अब उस पुल पे जाकर मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि भाई हमारा तेल भी काफ़ी बच गया, कम से कम काफ़ी तेल बच गया, हो रहा है। अब मैंने बाइक कर दिया स्टार्ट, अब डाला है पहला गियर, अब हम जा रही है पुल पार कर रहे भाई, ये है जय प्रकाश लिमिटेड आपका स्वागत करता है, जय प्रकाश। और बचा बद्रीनाथ, तो गाइस हम चल रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ, फिर वहाँ से देखते कहाँ जाना है, तो मिलते हैं आगे जाकर आपसे।